दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरे काम, सीखना आपका। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है भाई साहब, क्योंकि अपने पास गूगल एडसेन का पिन जो है वो आ चुका है। और इस पिन की खासियत ये है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अप्रूवल हो जाता है आपका चैनल अर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे को मिल चुका है आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की दुआओं से। लेकिन ये इस चैनल का नहीं है जिस पर आप ये देख रहे हैं। मेरा एक सेकंड चैनल है जिसमें मैं न्यूज़ कंटेंट डालता हूँ, YSM न्यूज़ इंडिया के नाम से। मेरे चैनल पर आप जब भी विजिट करते हैं तो उसमें आप देख ही पाते होंगे, तो वो मेरा चैनल है। तो दोस्तों उसका पिन आ चुका है आज। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेन पिन जो है वो आपको किस तरह से लेना होता है, क्या क्राइटेरिया हैं उसके, और सबसे अहम बात तो ये है कि आप उस चीज़ को समझ पाते हो या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग उसको समझ ही नहीं पाते क्या होता है क्या नहीं। तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा लेता हुआ चलता हूँ। तो भाई इसमें क्या है, आपका जो चैनल है वो सबसे पहले तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए उस पर, और 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका मोनेटाइज ऑन हो जाए, क्योंकि मोनेटाइज ऑन होगा तभी ये आता है। तो जब मोनेटाइज ऑन नहीं होगा तो ये क्राइटेरिया है, सबसे पहले ये आपको पूरा करना पड़ेगा 1 साल के अंदर। अब आप थोड़ा सा समझ पाओगे इसे, 1 साल के अंदर आपको इसको पूरा करना होगा, इस क्राइटेरिया को। और इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए आपको चीज़ों की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, आप जो भी वीडियोस बनाते हो वो ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। मतलब किसी भी तरह से आपको ये पूरा करना है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो यहाँ तक आपका जब पूरा हो जाता है, इसके बाद अलग क्या आ जाता है कि जब आपका मोनेटाइज ऑन होता है तो उससे पहले आपका एक अंडर रिव्यू एक प्रोसेस चलता है। हो सकता है वो 2 से 4 दिन, हफ्ते या फिर 1 महीने तक का हो सकता है। बहुत से लोग 2-2, 3-3 महीने भी अंडर रिव्यू में चैनल होते हैं, ऐसे मुझे बताते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जब अंडर रिव्यू में चैनल होता है, तो अंडर रिव्यू में होता क्या है थोड़ा सा इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो अंडर रिव्यू में ये होता है कि आपके चैनल पे कोई गलत चीज़ तो नहीं डली, कोई अब्यूज वर्डों में कोई चीज़ तो नहीं गई, किसी पे राजनीतिक मुद्दों पर कोई ऐसी बवाल तो नहीं करा आप लोगों ने, इस तरह से वो चीज़ देखता है जब अंडर रिव्यू में होता है। यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू करता है अच्छे से, जब उसको पता लगता है कि हाँ इसकी वीडियोज़ ठीक ठाक हैं और ये अर्निंग कर देना चाहिए इसको, तो हम इसको ऑन कर देते हैं, इसका अंडर रिव्यू प्रोसेस ख़त्म कर देते हैं। तो वो अंडर रिव्यू आपको ख़त्म कर देता है, मोनेटाइज ऑन हो जाता है, और उसमें क्रिएटर का एक बैच दे देता है। लेकिन अगर आपके चैनल पर कोई चीज़ ऐसी होती है जो हद से ज़्यादा कॉपीराइट कंटेंट में होती है, तो आपका चैनल अंडर रिव्यू ही रहता है, वो कभी कभार बताता भी नहीं है कि क्यों अंडर रिव्यू में है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप जो भी वीडियोज़ बनाओ यार, कोशिश करो कि वो किसी का कॉपीराइट ना हो, बिना कॉपीराइट के बनाओ। यहाँ तक प्रोसेस आपको समझ में आया। अब आपका चैनल मोनेटाइज ऑन हो जाता है। चैनल मोनेटाइज ऑन होने के बाद आपने जो भी वीडियोस बनाई उस पर आप ऐड लगा देते हो, ऐड ऑन कर देते हो, और हो सकता है 10 मिनट की बाद वीडियो जो आप बनाते हो 10 से 11 मिनट की, उसमें आप मल्टीपल ऐड भी डाल सकते हो, 3-4 ऐड डाल सकते हो एक वीडियो में। तो यहाँ तक का प्रोसेस ये है। इन वीडियो को आप ऐड इसलिए डालते हो, इन वीडियो को मोनेटाइज इसलिए करते हो कि आप अब कुछ जनरेट कर पाओ यहाँ से अर्निंग। तो जैसे ही आप जनरेट करते हो कुछ अर्निंग के बारे में, तो $10 जब आपके कंप्लीट होते हैं गूगल एडसेन में, जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं गूगल एडसेन में, तो आपको एक वहाँ पे ऑप्शन मिलता है अपने गूगल एडसेन में कि आप अपना यहाँ पे नंबर फिल करो। नंबर के साथ आपके पूरी डिटेल आप यहाँ पे फिल करो कि आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे हो, पूरी आईडीज़ के साथ वो उसको मांगता है। जब वो आईडीज़ क्लियरिफिकेशन हो जाती है तब आपके लिए वो एक एड्रेस मेथड करता है। जब वो एड्रेस मांगता है, वो इसलिए एड्रेस मांगता है कि आपका एक पिन जो है वो $10 के बाद एक पिन भेजा जाता है जो आपके घर पे भेजा जाता है। अब ये घर पे क्यों भेजा जाता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं कि भाई ये एडसेन पिन जो है वो आपके मेल पे भी आ सकता है, बहुत सी चीज़ मेल पे आती हैं, पिन भी मेल पे आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको भेजने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है कि आप जिस घर में रह रहे हो, जहाँ से आप अपना चैनल चला रहे हो, क्या वो ठीक है या नहीं, मतलब वो है भी या नहीं। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए एक वेरिफिकेशन होता है जो घर पे आपके आता है डाक पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा आ जाता है। जब पिन आपके पास आ जाता है तो उस पिन में क्या होता है, एक नंबर होता है, जो नंबर आपको वहाँ वेरीफाई करना होता है। मैं यहाँ पर जैसे कि इसको ओपन कर ही लेता हूँ, तो यहाँ पर इसके कुछ ये बता रखे हैं देखो कि यहाँ से इसको आप ये ओपन कर सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख रहे होंगे। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये बहुत आराम से करने वाली बात है, कोई ज़्यादा हड़बड़ी इसमें आपको नहीं करनी है। ये रिमूव मैंने कर दिया है, एंड सेकंड पार्ट जो है, अभी एक पार्ट किया है, एक पार्ट अभी और है, तो ये भी मैं इसको सेकंड कर देता हूँ। यहाँ आपकी कुछ डिटेल होती है जो आपके नंबर और नाम के बारे में होती है, तो ये फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद ये जो है
आप इस प्रोसेस को भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको, एंड ये पूरा एक एनवलप टाइप का है। अब इस एनवलप में ओपन करने के बाद आपको कुछ एक पिन दिखेगा, और उस पिन को दिखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि एनवलप किस तरह से ओपन करना है। बहुत प्यार से इसको ओपन करना है, क्योंकि पिन आपका कहीं भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको जो ओपन कर रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसी जगह पर ओपन करो कि थोड़ा सा आपको क्लियर उस चीज़ के बारे में दिख जाए। तो देखिए, मैं अभी इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद जो मेरा पिन है वो ये यहाँ पे मेरा पिन लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से एक पिन आपके पास भी आएगा, और इस गूगल एडसन के थ्रू ही आता है, जो आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई हो, तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी समझ में आई गई होगी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कर देना मेरे, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोज़ को शेयर करो। जिन लोगों के पास गूगल एडसन का पिन नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, कितना टाइम हो गया, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बोल सकते हो। आज के लिए बस इतने दोस्तों, बाय।